हैव इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस में ऐसे है कि अब इट इज द वे हाउ यू अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स एंड इमोशंस टुवर्ड्स योर पर्टिकुलर सब्जेक्ट, कि जिस सब्जेक्ट पर आप बात कर रहे हैं या बात करने जा रहे हैं उसकी तरफ आपकी इमोशनैलिटी कितनी है, आपकी फीलिंग्स क्या है, आप उसको कितना सीरियस ले रहे हैं, कितना सीरियस नहीं ले रहे, या आपकी इमोशनल स्टेट क्या है उस सब्जेक्ट को लेके, ठीक है। इस चीज को समझना बहुत जरूरी होता है, और ये बात आपको पता होगी तो आप जब बात कर रहे होंगे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में तो आपको अंदाजा होगा कि किस वे में, किस तरह से, क्या रूल्स सामने रख के मैंने बात की है। अब इसमें सिर्फ आपके अपने इमोशंस नहीं आ जाते बल्कि जो सामने वाला है उसकी इमोशनल स्टेट को भी समझना जरूरी होता है कि वो बंदा उस बात को कितनी इम्पोर्टेंस दे रहा है, या वो बाद में टॉपिक जो आप डिस्कस कर रहे हैं एक दूसरे के साथ वो दोनों पार्टीज के लिए इमोशनली कितना स्ट्रोंग है या कितना वैल्यूएबल है। इस चीज को समझना आपके इमोशनल इंटेलिजेंस में आ जाता है, जो कि इंटरपर्सनल स्किल्स की कैटेगरी है। मतलब आपने अपनी इमोशनल स्टेट भी देखनी है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके जिस पर आप बात कर रहे हैं, और सामने वाला जो आपके साथ बात में, डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहा है उसकी इमोशनल स्टेट को भी आपके लिए समझना जरूरी है कि वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कितनी वैल्यू दे रहा है, ठीक है। नाउ वी हैव अनदर कैटेगरी विच इज प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग स्किल्स। ये इस तरह से इन्वॉल्व होते हैं हमारी लाइफ में कि मोस्ट ऑफ द टाइम इन आवर डेली लाइफ इवन वी हैव टू टेक सम एक्शन ऑन द स्पॉट, कि उसी टाइम पे विदाउट एनी डिले हमें फौरन डिसीजन लेना होता है कि कोई फैसला करना है, या फिर ऐसा होता है कि कोई प्रॉब्लम आ गई है या इशू हो गया है तो हमें कितनी एबिलिटी है उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की या उस प्रॉब्लम को समझने की और उसको सोल्व करने की। और ये काम आप दूसरों के साथ मिलकर कर सकते हैं या आप नहीं कर सकते, मतलब आप एक ग्रुप ऑफ पीपल के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और कोई इशू आ जाता है आपके सामने तो इज इट पॉसिबल फॉर यू टू वर्क ऑन दिस बाय वर्किंग टुगेदर विद योर पार्टनर्स, और इस इशू को आपने आइडेंटिफाई करना और उसको सोल्व करना है वहीं पे, उस इशू को लेके कोई सॉलिड डिसीजन लेना जो आप सबके लिए प्रॉफिटेबल हो। इसको हम कहते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग स्किल्स, जो कि आपके पास कह लो कि इतनी स्ट्रॉन्ग एबिलिटीज हो कि आप लोगों के साथ मिलकर किसी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो, एट द मोमेंट एक अच्छा डिसीजन भी ले सकते हो। मतलब कि आपने लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे होना है और अगर कोई इशू आ गया है आपके सामने तो आपने सिर्फ उसको सोल्व नहीं करना, आइडेंटिफाई नहीं करना, बल्कि उसको आगे उसका ऐसा डिसीजन लेना है जो कि बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन पे रिलाई कर रहा हो, कि जो सबके लिए कह लो कि अग्रीएबल हो, सब उस पर मुत्तफिक हो रहे हो, ऐसा डिसीजन लेना प्रॉब्लम को सोल्व करते हुए। ये हमारे डिसीजन मेकिंग स्किल्स और प्रॉब्लम सोल्विंग स्किल्स आ जाते हैं, क्योंकि बाद ऐसा होता है कि लोगों में ये एबिलिटी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई इशू आ गया, फेस कर रहे हैं आप किसी प्रॉब्लम को, तो आप डर जाते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको हमने इसका डिसीजन कैसे लेना है या इसको सोल्व कैसे करना है। आपको प्रॉब्लम इतना वो ऑक्यूपाई कर देती है आपके माइंड को कि आप समझ ही नहीं पा रहे होते कि हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कैसे करना है, सोल्व करना, तो फिर बहुत दूर चला जाता है। तो ये जो स्किल्स हैं ये बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं और ये उस टाइम पे जिसके पास हो वो बंदा लीड कर रहा होता है और लोग उस पर रिलाई कर रहे होते हैं। तो ये डेली लाइफ में भी ये चीज चलती है और ये जरूरी होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग डिसीजन मेकिंग स्किल्स, ठीक है।